नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक का मटेरियल है तो वो हमने किस रेट में लिया और क्या क्या लिया है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है एंड तक अच्छे से देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं अभी वीडियो को। तो दोस्तों, ये है होल्डर प्लेट या फिर इसे जंक्शन प्लेट भी कहते हैं। तो इस पे हम होल्डर जो है वो होल्डर लगाते हैं। तो ये प्रेसफिट कंपनी का आता है, यहाँ पे मैंने प्रेसफिट कंपनी का लिया है, बाकी भी ब्रांड के आते हैं। तो ये जो मुझे मिला है ये 5.5 रुपए का एक प्लेट मुझे मिला है। तो होलसेल से मैंने लिया है ये सभी सामान। अगर आपको उसका लोकेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ये जो है ये प्लेट मैंने 40 लिया है 5.5 रुपए के हिसाब से। तो नेक्स्ट है दोस्तों ये वन वे स्विच। तो ये इस तरह से दिखता है। उसके बाद इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें इस पैकेट पे लिखी हुई दिखाई देगी। तो इसे यहाँ पे लिखा है वन वे स्विच। तो ये जो है ये 6 एम्पियर का वन वे स्विच है। और उसके बाद नीचे इसकी प्राइस लिखी है 40 रुपए। और इसके साइड में लिखा है उसका कोड नंबर। ये चीज मतलब ये जो मटेरियल है इसका कोड नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो इसका नंबर है 6501, ये इसका कोड नंबर है। और इसकी जो प्राइस ये जो मुझे मिला है तो ये मिला है 20 रुपए का। तो यहाँ पे प्राइस 40 रुपए है लेकिन ये मुझे मिला 20 रुपए का। तो ऐसे मैंने 65 पीस जो है वो ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये 3-पिन राउंड सॉकेट है। तो यहाँ पे बक्से पे भी डिटेल्स लिखी हुई आप देख सकते हो, 3-पिन राउंड सॉकेट। तो ये हम अभी खोल के देखते हैं। तो ये जो थ्री पिन राउंड सॉकेट होता है तो ये इस तरह से दिखता है। और इसके पीछे जो है वो डिटेल्स लिखी हुई हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे भी लिखा है 3-पिन राउंड सॉकेट। और ये जो है ये 6 एम्पियर का है। और ये इस साइड में हमें इसका कोड नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, 65208। तो इसका कोड नंबर है 65208। और इस पे जो प्राइस लिखी है वो है 115 रुपए, मतलब 115 रुपए का एक पीस यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमने ये खरीदा है 66 रुपए में, मतलब 66 रुपीज में हमने ये खरीदा है। तो ऐसे मैंने 2 बॉक्स ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये बेल पुश स्विच है, मतलब जो हम बेल लगाते हैं उसकी स्विच है ये। तो ये भी 6 एम्पियर की है। और इसका जो कोड नंबर है वो है 6506, मतलब 65066। तो ये इसका कोड नंबर है। और इसके ऊपर इसकी कीमत लिखी है, प्राइस लिखी है 124 रुपए। तो 124 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमको मिला है 72 रुपए में, मतलब 72 रुपीज में। तो 72 रुपीज का हमें ये एक मिला है, तो एक ही लिया है हमने ये। तो ये जो है ये 2-वे स्विच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीछे का हिस्सा चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, वायर लगाने के 3 जो भाग है इसके ये दिखाई देंगे। और आगे जो है ये स्विच है। तो इस पे क्या क्या लिखा ये देखते हैं। तो ये है 2-वे स्विच, 6 एम्पियर का ये भी। और इसका कोड नंबर जो है वो है 65002, तो 65002। तो इसकी MRP है 85 रुपीज, मतलब 85 रुपीज। तो ये हमें मिला है 49.5 रुपए का, मतलब 49.50 रुपीज का एक पीस हमें मिला है। तो ऐसे हमने 2 पीस ले लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये है ट्विन सॉकेट। तो ये ट्विन सॉकेट है। तो इसके पीछे क्या लिखा है हम देखेंगे।
तो यहाँ पे भी लिखा है ट्विन सॉकेट, तो ये भी यहाँ पे इसका कोड नंबर लिखा है 6625205, और इसकी जो MRP यहाँ पे दिखाई गई है वो है 179, मतलब 179 रुपीज। उसके बाद दोस्तों ये है रेगुलेटर, जो फैन में यूज होता है वो रेगुलेटर है, तो इसका कोड जो है वो है 65302, और इसकी जो प्राइस है यहाँ पे तो वो लिखी है 352 रुपये, लेकिन ये हमें मिला है 225 रुपये का, मतलब 225 रुपये का हमें ये एक पीस मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट आती है ये ब्लैंक प्लेट, मतलब ये जहाँ पे स्विच नहीं होंगे वहाँ पे ये ब्लैंक प्लेट लगेगी, तो इसमें 2 पीस होते हैं, तो एक पैकेट में 2 पीस होते हैं, और इसकी जो प्राइस यहाँ पे लिखी है वो 48 रुपीज लिखी है, मतलब 48 रुपये का एक प्लेट है ये, तो इसकी प्राइस 48 रुपीज है, लेकिन ये हमें पैकेट मिला है 30 रुपये का, मतलब इसकी जो अंदर की एक प्लेट होती है वो 15 रुपये की होती है, तो इस हिसाब से दो है तो ये 30 रुपये का हमें मिलता है ब्लैंक प्लेट। ये सब मटेरियल जो है एंकर का पेंटा जो वर्जन है इसका उसका मटेरियल है। उसके बाद ये जो है ये 3 पिन है, ये MLH की है, मतलब मास्टर लाइट हाउस की है, तो ये 35 रुपये में मिली मुझे, क्वालिटी वैसे अच्छी है। उसके बाद ये जो है ये है क्लासिक एंगल होल्डर, मतलब ये एंगल होल्डर है जिसमें हम बल लगाते हैं, और ये होल्डर जो है जो पहले मैंने वो प्लेट दिखाई तो उस पर ये फिट होता है, तो इसकी जो प्राइस है हमें ये मिला 20 रुपये का एक मिला है हमें, और ऐसे 30 पीस मैंने लिए हैं तो ये 20 रुपये का एक मिलता है, और ये हैरिसन कंपनी का है, हैरिसन कंपनी का है ये। नेक्स्ट है दोस्तों ये MCB, तो ये MCB मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो है ये MCB है, अब इस बक्से के पीछे क्या लिखा है ये देखेंगे हम, तो यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई दिखाई देगी MCB 6KA (SP), तो इसकी जो प्राइस यहाँ पे हमें दिखाई गई है वो है 195 रुपये, तो ये 195 रुपये का नहीं मिला हमें, ये मिला है सिर्फ 95 रुपये का, यानी 95 रुपये का हमें ये एक मिला है, और ऐसे 4 पीस लिए है मैंने। उसके बाद दोस्तों ये भी MCB है लेकिन ये उससे अलग है, ये डबल है, तो इस पे लिखा दिखाई देगा आपको MCB 6KA (SPN/DP), तो इसके पीछे हम देखेंगे तो डिटेल लिखी हुई दिखाई देगी, और इसकी जो प्राइस है वो है 676 रुपीज, यानी 676 रुपीज, लेकिन हमें ये जो है ये मिला है 225 रुपये का, ये 225 रुपये का हमें मिला है, तो ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार होता है, जॉइंट होता है ये। उसके बाद दोस्तों ये मीटर बॉक्स है, 10x11 का मीटर बॉक्स है, तो ये हमें मिला है 395 रुपीज में, मतलब 395 रुपीज का एक मिला है। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये वायर टेप है, तो ये टेप हमें किसी भी दुकान में 10 रुपये का मिल जाता है वायर चिपकाने के लिए, तो वायर पे ये जो टेप मारते हैं वो यही होता है, तो ये 10 रुपये का हमें मिल जाता है। फिर दोस्तों ये आती है ये अर्थिंग प्लेट है, 6x6 की अर्थिंग प्लेट है ये, तो इसकी कीमत जो है वो 80 रुपये, मतलब हमें जो मिला है वो 80 रुपये का मिला है हमें। दोस्तों ये जो है ये अर्थिंग पाउडर है, तो इसका एक पैकेट हमें
₹50 का मिला है, 50 रुपीज का। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये प्रेसफिट कंपनी का सरफेस बॉक्स है, सरफेस बॉक्स कहते हैं इसे। तो इसका कोड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो और इसकी प्राइस जो है यहाँ पे लिखी है ₹55। तो ये हमें मिला है ₹32 का, मतलब ₹32 का मिला है हमें। यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हो आप, प्रेसफिट कंपनी। उसके बाद दोस्तों ये बटन के ऊपर से जो प्लेट आती है, हम ये प्लेट बिठाते वो प्लेट है, तो इसे क्या कहते हैं, इनर फ्रेम विथ टॉप प्लेट, मतलब अंदर की जो फ्रेम है उसके साथ ही ये प्लेट आती है। तो ये 2 मॉड्यूल की है। तो इसका कोड नंबर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, 6592, मतलब 65902, ये इसका कोड नंबर है। और यहाँ पे जो है ये प्राइस हमें दिखाई देगी ₹77, यानी ₹77 का ये यहाँ पे प्राइस लिखा है MRP, लेकिन हमें ये मिला है ₹44 का, यानी ₹44 का हमें ये मिला है। ये बेल के लिए लगता है। उसके बाद ये जो है ये भी प्लेट ही है उसकी तरह, लेकिन ये 3 मॉड्यूल की है और इसका कोड नंबर है 6593, ये इसका कोड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई दिखाई देगी, वो है ₹116। तो ₹116 का नहीं है ये, 67 रुपीज का मिला है हमें। तो यहाँ पे MRP है ₹116 और हमें मिला है 67 रुपीज का। नेक्स्ट है ये प्लेट, तो ये है 4 मॉड्यूल। तो ये 4 मॉड्यूल है, इसका कोड नंबर है 6594 और इसका प्राइस जो है वो ₹120 है और हमें मिला है ₹74 का। तो ₹120 इसका प्राइस यहाँ पे MRP लिखा हुआ है, लेकिन हमें मिला है ₹74 में। फिर यहाँ पे ये है 6 मॉड्यूल। तो ये 6 मॉड्यूल का कोड नंबर है 6596। तो ये 6 मॉड्यूल प्लेट है और इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी ₹186, यानी 186 रुपीज का ये प्लेट यहाँ पे हमें MRP में दिखाया गया है, लेकिन ये हमें मिला है ₹107 का। एक पीस जो है ये ₹107 का हमें मिलता है। उसके बाद ये जो है ये 12 मॉड्यूल का है, 12 मॉड्यूल का है और इसकी डिटेल हम पीछे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा 12 मॉड्यूल का और इसका कोड नंबर है 65912, ये इसका कोड नंबर है। और इसका जो प्राइस हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो है ₹292, मतलब ₹292, लेकिन हमें ये मिला है ₹167 का, यानी 167 रुपीज का हमें ये एक प्लेट मिला है। उसके बाद दोस्तों ये आखिर में है स्ट्रिप कनेक्टर। तो इसकी प्राइस जो है वो है ₹25। तो ये एक ₹25 का आता है, तो यहाँ पे हमने ये 2 खरीदे हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।